चालू सर जमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर आए हैं अपने दादा जान के पास, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। एक जो मर्ज है, चरम रोग, जिसे अकौता कहते हैं, और ये हमारे जहीर चाचा हैं। ये भी जब ये नहीं होते हैं, ये जहीर बाबा हैं, जब ये हमारे दादाजी नहीं होते हैं, तो उन मरीजों को ये दवा देते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि दादाजी बताएंगे हमारे कि वो अकौते की कौन सी रामबाण अद्भुत दवाई है, जिससे कुछ दिनों के इस्तेमाल करने से अकौता ठीक हो जाता है। तो चलिए, मैं बात करने चाहता हूँ और आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। तो अकौते के लिए, जैसा कि आपके पास बहुत सारी भीड़ लगा करती है, इसके लिए हम जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं, ताकि लोगों का दुख कम हो सके बेचारों का। तो अकौते के लिए क्या चलाना चाहिए? अकौते के लिए चलाना चाहिए अकौल की जड़। सफेद सफेद अकौल कि पीला? सफेद हो या देसी हो। अकौल की जड़ की मिकदार कितनी होनी चाहिए? उसकी मिकदार होनी चाहिए कम से कम 100 ग्राम। जी, कम से कम 100 ग्राम। हाँ हाँ। और ऊपर देखो, करेला उसकी भी 100 ग्राम। करेला? करेला करेला जो खाने वाला आता है, ये करेला 100 ग्राम के लगभग मात्रा इसकी भी होनी चाहिए। ठीक, आगे और तीसरे करीब में लौकी होती है, कड़वी लौकी। एक लौकी होती है जो हम आप खाते हैं, कड़वी होती है, कड़वी लौकी की जड़। कड़वी लौकी की जड़ तीन हुई। चौथा है गेरू। गेरू लगभग, गेरू वो भी इसमें है। गेरू कितना? 100 ग्राम सोना गेरू ले लिया जाए। हाँ। इसके बाद ये जो हमारी आपकी दीवार ईंटे का नोना निकलता है, वो जो झड़ता है, नोना बोलते हैं, मिट्टी, उसको भी इसी में मिक्स करना है। मिक्स करके और कड़वे तेल में इसको पकाया जाता है, मिलाया जाता है। अच्छा। जब ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है तो वो अकौते की जगह इसको लगाया जाता है। उसकी मिट्टी 50 ग्राम के लगभग होना चाहिए। अच्छा। नोना वाली जो मिट्टी होती है वो 50 ग्राम। फिर उसको पकाना है। अब पका के वो मिल जाए, जब मलहम बन जाए, जब वो लगाने में मलहम बन जाएगा, बहे ना, इतना गाढ़ा हो कि लगाने में वो बहे ना। अच्छा। लगाते रहिए। बहुत माकूल दवा है और कामयाब दवा है। इसको इस्तेमाल कितने दिन करना है, कुछ परहेज? जब ठीक हो जाए तो उसको बंद कर दें। जब ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं होगा। अच्छा। तो दोस्तों, ये थे जनाब वजीर मोहम्मद साहब, और ये है हमारे मुस्तफा, जो आप हमेशा हर वीडियो में इनको देखते हैं, और ये है हमारी भतीजी। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सदकाए जारिया के हिसाब से लोगों का इलाज करें। और इसके इलाज के लिए आप बता दें, पैसा लेना है या नहीं? इसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करें, फ्री बिना पैसे के इलाज करें, तभी इसमें आराम होगा। और बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही सदियों से प्रयोग में लाने वाली दवा है। आप अपना तारुफ करा दें। मैं कस्बा घाटमपुर, नगर कानपुर का रहने वाला हूँ, और नाम में मेरा नाम है वजीर जी। तो आप हिकमत के बहुत अच्छे कारीगर हैं। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने कई एक वीडियो आप लोगों को डाले हैं, जो आप लोगों ने देखे, और आपने, मेरे ख्याल से आपने इनकी वीडियो से फायदा जरूर उठाया होगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहें डॉक्टर आरिफ के साथ और देखते रहें जी आरिफ जी चैनल। तो दोस्तों, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।